हेलो एवरीवन, राधा आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है आज के नए वीडियो के साथ। आज हम ट्री बनाना सीखेंगे। और पहले एक बात, ट्री बनाने से पहले कि आई फील एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना पाई हूँ और आपने इंतज़ार किया होगा। चलो आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और आज आपको पेड़ बनाना सिखाते हैं। आइए सीखें। चलिए हम पेड़ बनाना सीखते हैं। पहले पेंसिल से हल्का हल्का इसको इसके तने को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको इसमें कलर करना बताऊंगी। मैं इस बार जो है वीडियो नहीं डाल पाई बहुत लंबे समय से, तो अब जो है आपसे लोगों से वादा हुआ था कि मैं आपको ट्रीज बनाना बताऊंगी, तो आज वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ जैसे आपने पहले भी मेरे वीडियोस को लाइक किया है आप भी लाइक करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेड़ों की भी वेरिएशन होती है, कई तरह के पेड़ होते हैं। क्रिसमस ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, ठीक है? इसमें लीव्स बनाना बताऊंगी। देखो स्टॉक्स के भी अलग अलग तरीके हैं। नाइफ से स्टॉक लगता है, ब्रश से लगता है, कॉटन बर्ड से भी बनाते हैं, ठीक है? मैं आपको ये ब्रश से बता रही हूँ। ये स्टॉक लगाने के लिए, पेड़ों के पत्ते बनाने के लिए जो ब्रश है, 3 नंबर का फ्लैट ब्रश, 4 नंबर का फ्लैट ब्रश, बाकी बनाने वाले के भी ऊपर है कि वो कौन सा ब्रश चलाने में ज़्यादा माहिर है और किस ब्रश से लीव्स के अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? और अगर आपको ये मेरा वीडियो टी बनाने का ढंग पसंद आता है तो इसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे जो कुछ भी मैं आगे बना रही हूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच जाएगा और आपको आर्ट सीखने में मदद करेगा। आज हम ट्री बना रहे हैं, अगले वीडियो में जो है हम फेस की ड्राइंग सीखेंगे। फेस को कितने पार्ट्स में बनाना है, लिप्स कहाँ आने चाहिए, मुंह कहाँ आना चाहिए, नाक कहाँ आना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी। और आज मैं आपको ट्रीज के बारे में बता रही हूँ, लीव्स के ये स्टॉक्स हैं इनके बारे में बता रही हूँ। अच्छा, इसमें भी थोड़े से लीव्स के ऊपर कहीं पे ब्राउनिश, कहीं पे रेडिश, कहीं पे पर्पलिश इफ़ेक्ट होते हैं, उसको भी हम कलर्स के साथ दिखाते हैं। कुछ लीव्स येलो होते हैं, येलो पेड़ भी आपने देखा होगा, है ना? ब्लूसम ट्री पिंक कलर के होते हैं, उस तरह से। अच्छा, ये हल्का सा इफ़ेक्ट है और इसके लिए है कि आपको पेड़ में हल्के हल्के हमें तने भी दिखाने हैं, तो उसके लिए क्या है, V0 नंबर का ब्रश लेकर हल्के हल्के से हम इसमें कहीं कहीं तने दिखाएंगे, ताकि पेड़ों की टहनियाँ जिसमें थोड़े थोड़े तने जो होते हैं वो
डिपिक्ट हो जाते हैं, वो दिखें। ये चीज़ बनाने का है सही ढंग। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। इसे वॉच आउट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।